हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्का हलचल लिए मैं अनामिका अजय मिश्रा शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज देखें, ये कोरोना अपडेट है। प्रदेश में लगातार इजाफा, कोरोना संक्रमण के मामलों में 24 घंटे में 633 नए केस, 6 लोगों की मौत। 24 घंटे में 410 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। गुरुग्राम में 104, करनाल में 95 नए केस। अंबाला में 91, कुरुक्षेत्र में 85 नए केस सामने आए हैं। फरीदाबाद में 51, पंचकुला में 46 नए मामले सामने आए। यमुनानगर में 45, जींद में 27, पानीपत में 25 नए केस। मरीजों की संख्या 277,268 हुई। अब तक 270,222 मरीज ठीक हुए। प्रदेश का रिकवरी रेट 97,046 हुआ, 9,746 हुआ, माफ कीजिएगा। प्रदेश में 3,957। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस। एक बार फिर ये आंकड़े आपके टीवी स्क्रीन पर, बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, कोरोना अपडेट बता रहे हैं। 24 घंटे में 633 नए केस, 6 लोगों की मौत। 24 घंटे में 410 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। गुरुग्राम में 104, करनाल में 95 नए केस। अंबाला में 91, कुरुक्षेत्र में 85 नए केस सामने आए। चलिए कालावली का हाल जान लेते हैं। हमारे संवाददाता जगदीश प्रजापति जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जगदीश, कालावली से क्या है कोरोना अपडेट? नामिका, अगर कालावली कोरोना की बात की जाए तो कोरोना जो पॉजिटिव है कालावली के लिए एक अच्छी खबर है कि इन दिनों में पॉजिटिव केस नहीं मिल रहे हैं। लेकिन नामिका बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन बिल्कुल लापरवाह नजर आ रहा है। बाजारों की बात की जाए तो बाजारों में भी बिना मास्क के हैं जो लोग देखे जा रहे हैं। सैनिटाइज का प्रयोग नहीं किया जा रहा, वहीं सोशल डिस्टेंस का प्रयोग नहीं किया जा रहा। पुलिस की ओर से भले ही गृह मंत्री अनिल विज ने एक बयान जारी किया हो कि एक माह जो है वो चालान काटे जाएंगे, लोगों को मास्क के लिए प्रेरित किया जाएगा, लेकिन पुलिस रोडों पर बिल्कुल नादार नजर आ रही है। एक दिन भी पुलिस जो है चौक पर नजर नहीं आई है। नामिका, हरियाणा न्यूज बार बार दिखा रहा है कि पुलिस बिल्कुल आंखें मूंदी हुई है। जी नामिका, रिकवरी रेट, ग्रोथ रेट के बारे में बताएं। लोग कोरोना से बचने के लिए जो तय मापदंड है उन मानकों को फॉलो कर रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहे हैं? मास्क पहन रहे हैं कि नहीं? 2 गज की दूरी आप देख रहे हैं क्या? थोड़ा और विस्तार में मैं समझना चाह रही हूँ कि मामलों में इजाफा, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? जी रामिका, बिल्कुल अगर बात की जाए कोरोना के मापदंडों की तो बाजारों में जो मापदंड है बिल्कुल निभाए नहीं जा रहे हैं। लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइज का प्रयोग तो बिल्कुल नामात्र ही दिख रहा है। सरकारी कार्यालयों की बात की जाए तो वहां पर भी मास्क और सैनिटाइज का प्रयोग बिल्कुल दिखाई नहीं जा रहा। सोशल डिस्टेंस नाम की तो चीज रह ही नहीं गई है। अगर स्कूलों की बात की जाए नामिका, तो स्कूलों में भी बच्चे बिना मास्क के दिख रहे हैं। अगर स्कूली बहनों की बात की जाए तो बहनों में भी जो 50 सीटर बसें हैं उनमें 60-70 से बच्चे जो कर ले जाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस और मास्क का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो प्रशासन की बिल्कुल लापरवाही नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जो कोरोना दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, हो सकता है कि अगर प्रशासन की यही लापरवाही रही तो कालावाली को भी बड़ी जो लापरवाही का जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ सकता है। जी नामिका, बिल्कुल। स्वास्थ्य विभाग को आप कितना अलर्ट देख रहे हैं पहले के मुकाबले, और कितना ज्यादा तैयारियां हैं? वैक्सीनेशन के बाद लोग, वैक्सीन आ जाने के बाद लोग ज्यादा लापरवाह हो गए क्या? और कालावली में वैक्सीनेशन किस तरह से, कितनी तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है? लोग पहुंच रहे हैं वैक्सीन लगवाने? जी नामिका, अगर वैक्सीन की बात की जाए तो वैक्सीन बिल्कुल लगाई जा रही है। वैक्सीन को लगाकर बार बार एक सवाल कालावली में खड़े हो रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर वैक्सीन जो कोई लगवाने जाता है तो डॉक्टर की ओर से एक बात कही जा रही है कि 60 से 65 साल के बच्चे जो बुजुर्ग हैं उनको ही लगाया जाएगा। इसको लेकर कालावली में अगर बात की जाए तो कुछ लोगों ने सीएम विंडो भी लगाई है, उनकी डॉक्टरों की शिकायत भी की है। कहीं ना कहीं उसको वैक्सीन को लगाने में लापरवाही नजर आ रही है। अगर डॉक्टरों की टीम की कोरोना टेस्टिंग की बात की जाए तो टेस्टिंग को बिल्कुल ही बाजारों में जो है बिल्कुल बंद की गई है। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए कितना जागरूक है इसको लेकर, तो स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल बेपरवाह नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इनकी लापरवाही के कारण कालावली को बड़ा खमजा भुगतना पड़ सकता है। टामिका, चलिए बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो कालावली का हाल हम जान रहे थे हमारे संवाददाता के जरिए, और
कालावली के बाद आगे बढ़ेंगे हिसार उकलाना का हाल जानने के लिए, रुक करेंगे हमारे संवाददाता अनुप कुंडू की ओर। अनुप, कोरोना को लेकर और बढ़ते मामलों को लेकर क्या दिख रहा है हिसार में? देखिए, अगर हिसार की बात की जाए तो हिसार में अभी तक हम कह सकते हैं कि स्थिति नियंत्रण में है। लगातार जो कोरोना के मामले आसपास में बढ़ रहे हैं और हम कह सकते हैं प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र और पंजाब में भी जिस प्रकार से मामले बढ़े हैं, और पंजाब में तो 8 जिलों में रात्रि कर्फ्यू भी लगा दिया गया, उसके बावजूद भी हिसार में स्थिति नियंत्रण में है। 4 से 5, 6, 7 तक मामले नए सामने आए हैं, और उसके अलावा रिकवरी रेट की बात की जाए तो 97.68 के करीब हिसार का जो है रिकवरी रेट रहा है, और अब तक कोरोना काल की 330 मौतें हिसार में हो चुकी हैं। फिर भी इसके अलावा हम बात करें तो यहां पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग भी देखने को मिल रहा है। हालांकि फिलहाल तो विवाह शादियों का जो सीजन रहा है उसमें भी लोगों ने मास्क का प्रयोग किया है। जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? वैक्सीन के लिए कितने यहाँ पर केंद्र खोले गए हैं, लोग पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, और इस सुविधा का लाभ उठाने की वजह से कहीं जहन में ये तो नहीं बिठा के बैठ गए हैं कि वैक्सीन आ गई है तो अब कोरोना क्या बिगाड़ लेगा, और यही वो वजह है कि लापरवाही बढ़ रही है और मामले बढ़ रहे हैं? जी, वैक्सीन का फेज 3 यहाँ पर चला हुआ है। 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको वैक्सीन लगाने का काम जारी है। पहले स्वास्थ्य कर्मी और अधिकारियों को वैक्सीन लगाए गए हैं। यहाँ पर हिसार के उपायुक्त ने खुद वैक्सीन लगा के दूसरी डोज के बाद लोगों को संबोधित किया था और कहा था कि वैक्सीन के प्रति जो अफवाहें फैली है कम से कम उन पर ध्यान ना दें और वैक्सीन अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। इसके अलावा लोग लापरवाह जरूर नजर आते हैं, खास करके जो निजी और सरकारी बसें हैं उसमें लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे, और पुलिस की अगर हम बात करें तो प्रशासन से लोग इस चीज को लेकर के नाराज हैं कि वो निजी वाहन चालकों को, चाहे वो कार हैं छोटी गाड़ियां हैं, उनको लेकर के तो वो लोग चालान कर देते हैं लेकिन बसों में चालान नहीं करते जहां पर 40, 45, 50+ सवारियां बैठती हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए और दूसरे सुर्खियों के लिए भी लौटूंगी अनुप, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका। इस बीच एक बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज देखिए, बड़ी खबर, किसान आंदोलन अपडेट। आंदोलन का आज 114वां दिन, अभी तक आंदोलन जारी है, कोई समाधान नहीं निकला, दिल्ली अभी भी घिरी हुई है, दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं आंदोलनकारी और धरना दे रहे हैं। सोनीपत द्वारा के मंडी में धरना देंगे किसान। FCI और खेत बचाओ अभियान के तहत देंगे धरना। आंदोलन अपडेट, बड़ी खबर, 23 मार्च को शहीदी दिवस पर बॉर्डर पर धरना देंगे। शहीदी दिवस में हजारों की संख्या में युवा हिस्सा लेंगे। हर 1 तारीख के लिए एक नया अभियान, रणनीति पूरी तरह से तैयार है, आंदोलन नहीं समाप्त होने वाला। सरकार को बार बार बताया जा रहा है, जोर जोर से बताया जा रहा है, लेकिन सरकार नहीं सुन रही। स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे बंद किए जाएंगे। किसान आंदोलन का आज 114वां दिन है। दिल्ली की सीमाओं पर जारी है धरना, बड़ी खबर, आंदोलन अपडेट पहुंचा रहे हैं। लगातार दिल्ली घिरी हुई है और बहुत जल्दी ये निकट भविष्य में हमें दिल्ली का ये जो इस वक्त जो दिल्ली की स्थिति है वो ठीक होते नजर नहीं आ रही है, यानी दिल्ली अभी और लंबे वक्त घिरने वाली है, ये चेता दिया है किसानों ने। 23 मार्च को शहीदी दिवस पर बॉर्डर पर धरना देंगे। सोनीपत से हमारे संवाददाता राम सिंह जुड़ गए हैं। राम सिंह, मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि दिल्ली को लेकर अभी किस तरह की स्थितियां आप देख रहे हैं, इस किसान आंदोलन को लेकर अभी भी दिल्ली घिरी हुई है, कितनी तादाद में है? बीच में जो ये खबरें आने लगी थी कि अब शिफ्ट में आंदोलनकारी पहुंच रहे हैं, यानी एक शिफ्ट वापस अपने घर या खेतों में लौटेगा तो दूसरी शिफ्ट वहां पर तब पहुंचेगी, तो इस शिफ्टिंग प्रणाली के तहत, इस रणनीति के तहत क्या किसानों की संख्या वहां कम हुई है? 114वें दिन में प्रवेश कर गया है यह आंदोलन, क्या अब किसान आंदोलन को आप पहले के मुकाबले उतना ही मजबूत देख रहे हैं? दो सवाल। देखिए, जिस प्रकार से किसान आंदोलन का 114वां दिन है और लगातार आंदोलन जो है चल रहा है और अलग अलग बॉर्डरों पर जो है किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से आपका सवाल और आपने मेरे को बताया कि जिस प्रकार से किसानों की संख्या की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर पहले की तुलना में काफी कम हुई है, क्योंकि फसल का सीजन है, गेहूं की कटाई जो है कुछ दिन बाद ही जो है शुरू हो जाएगी, और उसी के मद्देनजर जो हरियाणा भर से, प्रदेश भर से जो किसान थे कुंडली बॉर्डर पर डटे हुए थे। हालांकि काफी किसान जो है अभी भी जो कुंडली बॉर्डर पर है वहां रुके हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से शुरुआती स्तर पर आंदोलन तेज किया गया था, जिस प्रकार से काफी संख्या में जो चप्पे चप्पे पर जो है किसानों की संख्या की मौजूदगी थी, लेकिन
काफी संख्या में अब वहां पर कमी जरूर नजर आ रही है। फिलहाल की अगर बात करें तो 19 तारीख से लेकर, इससे पहले 17 तारीख से लेकर अलग अलग दिन 23 मार्च तक जो है रणनीति जो है किसानों ने बनाई है, अलग अलग दिन की विशेष रणनीति जो है किसानों की तरफ से की गई है। अगर बात करें जिस प्रकार से 17 तारीख को सभी रेलवे स्टेशन पर जो है धरना प्रदर्शन किया गया था, उसके बाद जिस प्रकार से 19 तारीख है, 19 तारीख को मुजारा दिवस जो है वो मनाया जाएगा और सभी जो मंडियां हैं और एफसीआई बचाओ और खेती बचाओ अभियान के तहत जो है सभी मंडियों में सोनीपत और गोहाना की अनाज मंडियों में जो है विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। काफी संख्या में जो किसान है वो पहुंचेंगे। अलग अलग दिन का जो रणनीति बनाकर किसान चल रहे हैं उसके मद्देनजर ही 19 तारीख को जो है खेती बचाओ अभियान के तहत ही ये रणनीति तैयार की गई है और आज गोहाना और जिस प्रकार से सोनीपत मंडी की बात करें तो तमाम जगह पर जो है प्रदर्शन किसानों द्वारा किया जाना है। और बात करें अलग अलग दिन की, जिस प्रकार से 23 मार्च को शहीदी दिवस होता है और शहीदी दिवस को मनाने को लेकर भी एक डेलीगेशन जो है, एक जत्था जो है पंजाब से पैदल यात्रा करते हुए सोनीपत से पानीपत सोनीपत गनौर बहालगढ़ समेत काफी गांव में वो विजिट कराएगा और संयुक्त किसान मोर्चा की जो सोनीपत की इकाई है वह इकाई अलग अलग गांव में जो है जो जत्था है पंजाब से जो चल के आ रहा है डेलीगेशन जो आ रहा है उसको गांव-गांव विजिट कराएगा और गांव-गांव जाकर एक बैठक जो है बैठक का आयोजन होगा। बैठक में तमाम जो रणनीति है वो तैयार की जा रही है। जिस प्रकार से 23 मार्च है और किसान आंदोलन को लगातार मजबूती प्रदान करने के लिए न केवल युवा बल्कि अन्य जो किसान है वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें 23 मार्च को लेकर काफी संख्या में युवाओं से भी आह्वान किया गया है कि 23 मार्च को जिस प्रकार से कुंडली केएमपी वो केएमपी पर जो है झांकियां जो भगत सिंह के जीवन से जुड़ी संघर्ष की वो झांकियां हैं तमाम झांकियां दिखाई जाएंगी ताकि युवा में एक जोश पैदा हो, एक जागृति पैदा हो, उसको लेकर ये रणनीति तैयार की जा रही है और 23 मार्च को ही ये जत्था जो है कुंडली बॉर्डर पर पहुंच जाएगा। इस जत्थे का उद्देश्य यही है आपसी भाईचारे को कायम करना और ज्यादा से ज्यादा किसानों को मना कर और उनको जागरूक करके कुंडली बॉर्डर तक लाना है, अलग अलग बॉर्डर पर जो किसान डटे हुए हैं और जिस प्रकार से आंदोलन को तेज करना है। क्योंकि फिलहाल की अगर बात करें तो काफी संख्या में किसानों की संख्या जो है कम हुई है क्योंकि फसल का सीजन है और फसल के सीजन के दौरान किसान जो है खेतों की तरफ रुख जरूर कर गए हैं। हालांकि प्रोटेस्ट लगातार जारी है, लगातार टेंट पे वहां गड़े हुए हैं। सर्दी के सीजन में जिस प्रकार के इंतजाम पहले किए गए थे वो इंतजाम अब बदल गए हैं। अब लोग जो है, अब किसान जो है अलग अलग गर्मी के लिहाज से अपने जो आशियाने हैं वो तैयार कर रहे हैं, चाहे वो चिक मेकर की बात करें या फिर झोपड़ी नुमा जो आशियाने हैं वो तैयार करने की बात जो कहें तो वो यहाँ किसान जो है लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि गर्मी है, गर्मी में बचने के लिए एक ऐसा आशियाना किसान तैयार कर रहे हैं जिसमें गर्मी भी ना लगे और सुरक्षित रहा जा सके, इस प्रकार के इंतजाम किसान कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया राम इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। तो लगातार हमारे संवाददाता के जरिए आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, किसान आंदोलन से जुड़े अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। किसान आंदोलन का आज 114वां दिन, दिल्ली अभी भी गिरी हुई है, किसान डटे हुए हैं। हमारे साथ अनूप कुंडू जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। अनूप, क्या अपडेट है किसान आंदोलन पर? अनामिका जी, किसान आंदोलन की बात करें तो कल से यहां से एक जत्था जो हांसी का एक ऐतिहासिक किला बताया जाता है वहां से शुरू होकर के और टिगरी बॉर्डर के लिए रवाना हुआ है, जिसमें सैकड़ों किसान यहां से इलाके से गए हैं और वो 23 तारीख को शहीदी दिवस पर वहां पर जो शहीदी दिवस मनाया जाएगा उसमें शामिल होंगे और पैदल ये लोग यहां से वहां तक लगभग 150 किलोमीटर के लगभग की ये दूरी है तो पैदल जाएंगे। पहला पड़ाव उनका जो सोरखी गांव का था वो भी उन्होंने पूरा कर लिया है। इसके अलावा आज मंडियों के बाहर प्रदर्शन रहने वाला है। जिस प्रकार 5 दिवसीय कार्यक्रम संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जारी किया गया था उसमें आज का जो कार्यक्रम है वो मंडियों के बाहर प्रदर्शन का है। इसके अलावा भारत बंद रहने वाला है 26 तारीख को, उसके लिए भी तैयारियां की जा रही है और 28 तारीख को होलिका दहन में जो है प्रतियां जलाई जाएगी तीनों कानूनों की, उसको लेकर भी किसान तैयार हैं। इलाके में जो भी राजनीतिक, चाहे वो जेजेपी पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो, उसके नेता जो इलाके में कोई कार्यक्रम करते हैं तो उनके विरोध का कार्यक्रम के लिए भी किसान तैयार है। और ये सुनने में यह भी आया कि 21 तारीख को उकलाणा के अंदर जेजेपी के जो बरवाड़ा से विधायक है जोगीराम सियाग, उनका कार्यक्रम गौशाला में होने है तो उसका विरोध की तैयारियां भी किसान कर रहे हैं। जी
बिल्कुल, आज कहाँ कहाँ पर किसान जाने वाले हैं धरना देने को लेकर, आज के लिए क्या रणनीति है, आज का अभियान बताएं, कितनी संख्या में किसान इकट्ठा होने वाले हैं? खबर आ रही थी कि भारत बंद का भी आह्वान किया है कि जैसे ही 4 महीने पूरे होंगे तो भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं किसान। हाँ जी बिल्कुल अनामिका जी, 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया गया है, उसमें इसके साथ साथ वकीलों की एसोसिएशन है और बहुत सारी ऐसी एसोसिएशन है जो किसानों के साथ है, वो भी इस भारत बंद में पूरी तरह से सहयोग करेगी। और अगर आज हम आज की बात करते हैं तो आज मंडियां जहां जहां है, अनाज मंडियां, बड़ी मंडियां हैं, वहां पर किसान इकट्ठा होकर के अपना रोष प्रदर्शन करेंगे और 26 तारीख को भारत बंद में एक बहुत बड़ा यहाँ पर हम देख सकते हैं असर देखने को मिल सकता है। जी ठीक है, सरकार और प्रशासन की कुछ तैयारियां आप देख रहे हैं इस आंदोलन को लेकर? या ठीक है, आंदोलन चल रहा है तो चलता रहे, अपने आप ही उठ के वापस चले जाएंगे, यही वाला रवैया अभी भी है? हाँ बिल्कुल, देखिए सरकार की या प्रशासन की अगर हम पहले बात कर लेते हैं, प्रशासन की तरफ से यही तैयारियां रहती है कि लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, और इसको लेकर के पुलिस बल जहां पर भी कार्यक्रम रहते हैं किसानों के वहां पर तैनात कर दिया जाता है, और तकरीबन सभी जो कार्यक्रम हैं अभी जो पहले हुए हैं वो भी बिल्कुल शांतिपूर्ण रहे हैं। और बात वार्ता की जाए तो जिस प्रकार से टिकैत का बयान आया था राकेश टिकैत का कि हो सकता है कि 1 साल भी लगे तो सरकार के लिए हम पीछे नहीं होंगे, सरकार का जब चाहे वो मन बात कर सकती है, लेकिन ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं हो जाए। ठीक है, कल विपक्ष ने बहुत हंगामा किया था जब संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पास किया गया, लेकिन अब ये प्रावधान है कोई भी आंदोलनकारी, कोई भी प्रदर्शनकारी अगर सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो क्षतिपूर्ति के तौर पर उससे दंड का प्रावधान है, जुर्माना भी लिया जाएगा, उसमें सजा का प्रावधान है। विपक्ष ने कहा कि आप लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, आप आंदोलनकारियों को परेशान करने के लिए कर रहे हैं, क्या किसान इस विधेयक को समझ रहे हैं, ये जो पास हुआ है इसे समझ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, किसानों से इस बात को लेकर के चर्चा भी हुई थी, उनका तो यह कहना है कि जितना भी उनका आंदोलन रहा है उन्हें किसी भी प्रकार की सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया है, और सरकार अगर चाहे तो उनसे किसी भी प्रकार के कानून बनाए लेकिन उन पर कोई असर होने वाला नहीं है, वो अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर के, अपने हकों को लेकर के ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए वो लड़ते रहेंगे। और यहां पर जो विपक्ष की हम बात करें तो विपक्ष ने बिल्कुल ये कहा है कि लोकतंत्र का गला घोटने की बात की जा रही है, इसके अलावा किसानों में ये बात है कि वो जिस कानूनों को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ते रहेंगे, सरकार चाहे एक विधेयक लेके आए इसके सरकारी और निजी संपत्ति का, चाहे इसके अलावा और भी कुछ करे। चलिए बहुत शुक्रिया अनुप इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। एक और संवाददाता की तरफ रुख करेंगे, जान लेते हैं पिहोवा में किसान आंदोलन को लेकर क्या हलचल चल रही है, हमारे संवाददाता गगन जुड़ गए हैं। गगन, आपसे जानना चाह रही हूं मैं कि पिहोवा में इस वक्त किसान आंदोलन को लेकर क्या चीजें देख रहे हैं आप? देखिए लगातार जिस हिसाब से अब किसानों की संख्या टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन पर कम होती नजर आ रही है, क्योंकि गेहूं की कटाई का सीजन स्टार्ट हो चुका है और देखा जाए तो किसान अब गेहूं की कटाई में कहीं ना कहीं बिजी हो चुके हैं, और अब आहिस्ता आहिस्ता किसान आंदोलन जहां धरना प्रदर्शन है वहां पर किसानों की संख्या कम देखी जा रही है। जी बिल्कुल, किसानों की संख्या कम देखी जा रही है, आगे के लिए और क्या क्या रणनीति बनाई है किसानों ने, वो अगर उन्होंने बताया है तो वो बता दें, कहाँ कहाँ इकट्ठा होने वाले हैं, भारत बंद का आह्वान यहाँ पर भी किया जा रहा है क्या, या संयुक्त किसान मोर्चा के फैसले को ही फॉलो किया जा रहा है? जाऊंगा, देखो किसानों के द्वारा जो जानकारी मिली है, किसानों का कहना यह है कि इस मार्च को जो शहीदी दिवस मनाया जाएगा तो उसमें किसान बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, और 25 तारीख को असम की एक अनाज मंडी के अंदर एक किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर संयुक्त भारतीय किसान यूनियन के सभी नेता और हजारों की संख्या में पिहोवा से भी किसान वहां पर पहुंचेंगे। जी शहीदी दिवस को लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए शहीदी दिवस यहाँ पर टोल प्लाजा पर और जहाँ धरना प्रदर्शन पर शहीद भगत सिंह की, राजगुरु की, इनकी सभी की एक झांकियों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा कि किस तरह से जो भगत सिंह ने देश देश के लिए किस तरह से कुर्बानियां दी, और अब किसानों के ऊपर इस तरह का अत्याचार हो रहा है कि कभी भगत सिंह ने इस तरह के कभी सोचा नहीं, तो इस तरह की झांकियां देखने को मिलेगी। जी संपत्ति क्षति विधेयक को लेकर विपक्ष खासा नाराज है इसके पास किए जाने को लेकर, उसका बार बार कहना है कि आप जानबूझकर कर रहे हैं, किसान आंदोलन से जोड़कर इसे अपनी बात रखी विपक्ष ने, हालांकि सीएम ने यह कहा है कि यह किसान आंदोलन से रिलेटेड नहीं है लेकिन यह बहुत ज्यादा जरूरी था, किसानों की इस पर कोई प्रतिक्रिया आई क्या?
किसानों के साफ तौर पर कहना है कि जो संपत्ति क्षति वसूली बिल जो सरकार के द्वारा पास किया गया है, ये कहीं ना कहीं किसानों की आवाज को दबाने के लिए किया गया है, क्योंकि आज से पहले कभी ये बिल पास नहीं किया गया था। आज किसान आंदोलन को 114 दिन हो चुका है, तो देखा जाए तो किसानों को किसान जिस तरह से किसान टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली बॉर्डर पर जो अपने मकान बनाने लग गए, तो उसको देखकर सरकार ने यह बिल पास किया। तो किसानों का कहना यह है कि कहीं ना कहीं हमारी आवाज को दबाने के लिए यह बिल पास किया गया। जी ठीक है, साथ में ये बताएं विपक्ष के जो प्रयास रहे या फिर सरकार के जो प्रयास रहे, मैं दोनों के प्रयासों को पूछना चाह रही हूँ, ताकि मैं जानना चाह रही हूँ कि किसानों के बीच में पलड़ा इस वक्त किसका भारी है। हालांकि मांगों को लेकर डटे हुए हैं, वो किसी राजनीतिक व्यक्ति को मंच नहीं देना चाह रहे अभी वो कह रहे हैं। बहरहाल जो प्रयास रहे सदन के भीतर सरकार या विपक्ष की तरफ से, उसमें किसान किसे ज्यादा सराहनीय मानते हैं? क्योंकि सरकार ने भी भरपूर कोशिश की कि सुस्त अर्थव्यवस्था में भी वो बहुत कुछ दे, और दिया है, कोशिश दिख रही है बजट में। आवाज पहुंची तो जवाब देखिए, देखा जाए तो किसानों का कहना यही है कि वो किसी भी राजनेता को अपने मंच पर नहीं आने देना चाहते, वह अपना आंदोलन खुद ही लड़ना चाहते हैं। और देखा जाए तो विपक्ष ने जिस तरह से संपत्ति क्षति वसूली बिल का विरोध किया, तो देखा जाए तो अपना किसानों का कहना यही है कि हमें हमारे जो कृषि कानून है उसको जो सरकार के द्वारा पास किया गया है उसको हमें रद्द करवाना है, और ये आंदोलन चाहे हमें अपनी जान भी गंवानी पड़े ये आंदोलन जारी रहेगा, और कृषि कानूनों को रद्द करवा कर ही अपने घर लौटेंगे। जी बिल्कुल, यानी अभी भी नारा बुलंद है कि जब तक कानून वापसी नहीं घर वापसी नहीं। चलिए बहुत शुक्रिया, अपडेट के लिए लेंगे, लौट कर आती रहूंगी। हल्का हलचल में आगे बढ़ते हुए किसानों के इस आंदोलन पर ही आगे बढ़ते हैं, और अजय मेहता फतेहाबाद से जुड़े हैं फतेहाबाद का हाल बताने के लिए। किसान आंदोलन को लेकर फतेहाबाद में क्या देख रहे हैं आप, क्या रणनीति? अजय अनामिका, देखिए किसान आंदोलन को लेकर के जो जिस प्रकार से पिछले 4 महीने, अगर हम कहें 4 महीने से लगातार जो है किसान लगातार बॉर्डर पे डटे हुए हैं, इसके साथ साथ जो है जिला मुख्यालयों के ऊपर और सब डिविजन लेवल के ऊपर भी जो है इनका प्रदर्शन जारी है। अब हाल ही में फतेहाबाद में भी अगर बात की जाए, फतेहाबाद के अंदर किसानों ने अब यहां जो है विधायक का पुतला जलाया था, और जो गुस्सा ये था कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था सदन के अंदर, उसमें जो है एमएलए ने और अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में माफ कीजिएगा उसके विरोध के अंदर जो है वोट किया, और किसानों के जो विरोध के अंदर जो है वोट किया गया था, इसको लेकर के जो है किसानों के अंदर गुस्सा था। और आगे की जो रणनीति जो है उनका ये कहना है कि आने वाले दिनों के अंदर ये और तेज किया जाएगा, और जैसे चक्का जाम की भी घोषणा की गई है 26 तारीख की, तो इसको लेकर के जो है किसान संगठन लगातार तैयारियां कर रहे हैं। रतिया, फतेहाबाद, टोहाना, तमाम जो ब्लॉक है, जो सब डिविजन है, वहां पर ये एक एक गांव के अंदर जाकर लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अजय, नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए जरूर लौटूंगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद।